2023 की शुरुआत बीजेपी के लिए अच्छी रहने वाली है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए चुनाव के नतीजे तो 2 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले हुए एग्जिट पोल के अनुमान बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि यह बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी फिर सरकार में वापसी कर रही है। हालांकि मेघालय में पेच फंसता नजर आ रहा है, जहां एनपीपी बहुमत से दूर रह सकती है और बीजेपी को 10 से कम सीटें मिलने का अनुमान है। त्रिपुरा में एक ही चरण में 16 फरवरी को मतदान करवाया गया था, जबकि मेघालय और नागालैंड में भी एक ही चरण में 27 फरवरी को चुनाव हुए। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से पूर्वोत्तर में बीजेपी का विस्तार लगातार हो रहा है, खासतौर पर त्रिपुरा में। यहाँ बीजेपी ने 35 साल के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त करके 2018 में अपनी सरकार बनाई थी। उस चुनाव में बीजेपी को 35 सीटें मिली थी। इस बार अनुमान है कि उसे 36 से 45 सीटें मिल सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी यह साबित करेगी कि त्रिपुरा में उसकी जीत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि वहां की जनता ने खुले दिल से उनका शासन कबूल किया है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो नए साल में बीजेपी के लिए यह बड़ी खुशखबरी होगी और बीजेपी इस जीत को आगे के चुनावों में भुना सकती है। माना जा रहा है कि इससे आगे के चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए और उत्साह जागेगा। इसी साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होना है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की। बीजेपी यहां सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश करेगी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीनने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत इस साल होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के विजय पथ में बिगुल फूंक दी जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।